अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हमारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में जाना था और उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो जो है उसके बारे में आप लोगों को बताई थी। कंडक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि यूट्यूब चैनल को आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों को जो है बहुत से तरीके मिलते हैं। आप किसी यूट्यूबर की मदद भी ले सकते हैं या आप जो है किसी से अपने चैनल का शाउट आउट भी करवा सकते हैं। मगर दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप खुद से अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइटल। आपकी वीडियो का टाइटल जो है वो अच्छा होना चाहिए जिससे आपकी वीडियो जो है वायरल हो सके। दोस्तों टाइटल जो है आप 100 लफ्ज का लिख सकते हैं, आप जो है 100 अल्फाज उसके अंदर टाइटल के अंदर लिख सकते हैं, आपकी वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि आपकी चैनल जो है वीडियो है वो रैंक के ऊपर आए। टाइटल के अंदर आप लोगों को जो है पूरी वीडियो का जो है आप लोगों को पूरा टाइटल लिखना है, कुछ भी आप लोगों को खाली नहीं छोड़ना। दोस्तों टाइटल के बाद जो दूसरे नंबर पर आप लोगों को जो यूट्यूब के अंदर मिलता है वो है डिस्क्रिप्शन। अपनी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन जो है बहुत अच्छा लिखना है आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन जो आप लोग लिख सकते हैं उसके अंदर जो है 5000 अल्फाज आप उसके अंदर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को वीडियो के बारे में पूरा बताना है कि आपकी वीडियो के अंदर है क्या, आप लोगों की वीडियो के अंदर है क्या। आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं गूगल से। अगर आप किसी की वीडियो को लेके आप वीडियो बना रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन कुछ आप कॉपी भी कर सकते हैं वैसे, मगर आप लोगों को कुछ अल्फाज उसके अंदर खुद से भी लिखने हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, या तो वो इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, आप लोगों को पूरा लिखना है, यूट्यूब को बताना है कि मेरी वीडियो इसके बारे में है। आप लोग डिस्क्रिप्शन को थोड़ा भी खाली नहीं छोड़ेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर जो है आप लोगों को मिलता है वो है टैग्स। टैग्स आप लोगों का बेसिकली काम क्या करता है, टैग्स आपकी वीडियो को जो है वायरल करता है। टैग्स कैसे वायरल करता है, टैग्स आप लोगों ने अक्सर जो वीडियोज़ देखी होंगी वो आप लोगों को सजेशन के अंदर नज़र आती है, मगर उस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता है, मगर वो वीडियोस आप लोगों के सामने शो होती है। वो कैसे शो होती है, क्योंकि उसके अंदर टैग्स लगे हुए होते हैं और वो वीडियो उसी के बारे में होती है जिस जो वीडियो आप देख रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने किसी का चैनल खुला हुआ है, आप उसकी वीडियोज़ देख रहे हैं, अब साइड में मेरी वीडियो शो हो जाती है। और मेरी वीडियोज़ क्यों शो होती है, क्योंकि मैंने टैग्स लगाया हुआ है, टैग्स मैंने लगाया हुआ है उसी वीडियो के बारे में मैंने बताया हुआ है, इसीलिए आपके पास वो मेरी वीडियो शो हो रही है। वैसे कि आप लोग किसी और की वीडियो के ऊपर है, मगर मेरी वीडियो क्यों शो हो रही है, क्योंकि मैंने टैग लगाया हुआ है। दोस्तों ये तो हो गए टैग्स। अब टैग्स के बाद आप लोगों को जो है अपनी वीडियोस को जो है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करनी है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप लोगों को सब जगह के ऊपर अपनी वीडियो को शेयर करनी है। अगर आपको अपनी वीडियो को जो है वायरल करनी है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आप लोगों को शर्म नहीं करनी, आप लोगों को सब जगह के ऊपर उस वीडियो को शेयर करनी है लाजमी, सब दोस्तों को बताना है। अगर आप लोगों के दोस्त जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों को मिलकर भी उनको बताना है कि ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर किसी को बताएंगे नहीं तो आप लोगों के चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। तो ये तो हो गई सोशल मीडिया की बारे में आप लोगों को बता दी कि आप लोगों को अपनी वीडियो को जो है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करनी है लाजमी। दोस्तों उसके बाद जो है मैं आप लोगों को 2 एप्लीकेशन बताऊंगा ऐसी जिससे आप लोग अपनी वीडियो को जो है वायरल कर सकते हैं। वो पहली एप्लीकेशन जो है क्लिप्स है। क्लिप्स वैसे तो बेसिकली अर्निंग एप्लीकेशन है, मगर उसके अंदर जो है आप लोगों को अपलोड का ऑप्शन मिलता है। अपलोड के ऑप्शन में आप YouTube की लिंक को जो है पेस्ट करके वहाँ पे अपनी वीडियो को लगा सकते हैं। एज अ एड आप लोग के ऊपर क्लिप्स के ऊपर आप लोगों को लाइक्स वगैरह मिलेंगे और आप लोगों को व्यूवर्स भी मिलेंगे। दोस्तों उसके अंदर आप लोगों को नॉर्मली अपनी YouTube की लिंक की जो है आप लोगों को लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है वहाँ पे। आप उनको आप क्लिप्स के अंदर जो है टैग्स वगैरह लगाने नॉर्मली और छोटा मोटा टाइटल लगाने और जो आप लोगों की वीडियो किसके बारे में है, जैसे कि आप लोगों की वीडियो साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या एंटरटेनमेंट वीडियो है, आप लोगों को उसको क्लिप्स को बताना है। उसके बाद आप लोगों को नॉर्मली जो है अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिप्स जो है वीडियो को जो है अपने होम पेज के ऊपर शो करेगा और आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो है लाइक्स वगैरह और व्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया क्लिप्स। अब जो दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन है वो है एड
व्लॉग्स। एच व्लॉग्स आप लोगों को जो है प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी और उसके अंदर आप लोग जो है किसी की भी वीडियोस देख के डॉलर अर्न कर सकते हैं। अब उस डॉलर से आप लोग डॉलर को निकाल तो नहीं सकते, उस डॉलर से जो है आप लोग अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। आप लोगों को एच व्लॉग के अंदर जो है लोगों की वीडियोस देखनी है, उसके आप लोगों को डॉलर मिलेंगे। डॉलर मिलने के बाद अगर आपका एक डॉलर या दो डॉलर पूरे हो गए तो आप दो डॉलर से जो है अपनी वीडियो को जो है एड के तौर पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कि आप लोग किसी की भी जो है वीडियो आप लोगों को एड के तौर पे नजर आ जाती है, आप लोग अक्सर स्किप करते हैं, वो एड चल रही होती है, उसके यूट्यूब को पैसे दिए गए होते हैं कि आप हमारी वीडियो को वायरल करें और उसके एड के तौर पे वीडियो चल रही होती है। दोस्तों एड व्लॉग के अंदर एप्लीकेशन के अंदर आप लोग वैसे ही आप लोग अपनी वीडियो को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब आप लोगों को एड दिखाता है, वैसे ही एड व्लॉग्स आप लोगों को एड दिखाएगा, आप उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।